चलो तो तीस्ता का ग्रीन पानी पूरा एकदम साफ, पूरा क्रिस्टल क्लियर, नीचे का पूरा एक एक पत्थर पूरा क्लियर। और ये जो वाटरफॉल है, इस वाटरफॉल का नाम है नागा वाटरफॉल। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कल एक्चुअली कोशिश किया था वीडियो अपलोड करने का, बट सुबह उठ के देखा कुछ हुआ नहीं है। तो एक बार यहाँ वाईफाई दिख रहा है कि वाईफाई है, एक बार जाके होटल में मांगते हैं। वाईफाई का डिटेल अगर मिल जाता है तो अपलोड में लगा देंगे फिर। और अभी उठ गए थे हम लोग सारे लोग 5 बजे, टाइम हो रहा है अभी 7:05। तो एक बार नीचे से ऐसे ही हम लोग घूम के आके देखें बाहर का हाल क्या है। ठंड तो रात को थी, बहुत सही था, करीब 6 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर फील हुआ, मतलब जैसा दिखा रहा था गूगल। तो आज का प्लान है अब एक दूसरा डेस्टिनेशन, तो यहाँ भी एक बार थोड़ा नीचे से घूम के आते हैं, फ्रेश व्रेश होते हैं, फिर निकलते हैं। मैं जिस कंडीशन में ना वैसे ही सो गया था, मतलब जैकेट नहीं पहना था, जैकेट कैप वही था, ये मफलर नहीं था, अदरवाइज जैसा था वैसे ही सो गया मैं, कुछ चेंज करने का भी जरूरत नहीं पड़ा। चलो एक बार बाहर से घूम के आते हैं पहले। और एक अपडेट देना है, यहाँ पर ट्रैवल कार्ड का एक सिस्टम आया है अभी। अगर आप सिक्किम ट्रैवल करते हो तो एक ट्रैवल कार्ड बनाना होता है, जो आपका ट्रैवल एजेंट या ड्राइवर आपको गाइड कर देगा। एक ऐप है इनका, सिक्किम ट्रैवल कार्ड का, वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वो ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर आपको ट्रैवल कार्ड बनाना पड़ेगा, उस ट्रैवल कार्ड के बेसिस पे फिर आपको परमिट बनता है यहाँ पर। चलो चलते हैं नीचे। गैंगटॉक की सुनसान सड़कों पर हम लोग निकल गए हैं, फिर भी कंपैरेटिवली क्या पता क्यों अंदर से फील हो रहा है कि खाली है सारा कुछ, मतलब वैसा कोई भीड़ है नहीं। अदरवाइज गैंगटॉक इतना खाली दिखता नहीं है। इससे पहले भी जब आया था तो इससे पहले भी देखा था कि मतलब इस वक्त ना काफ़ी सारी गाड़ियाँ निकल जाती हैं आसपास के साइड सीन के लिए या दूसरे और जाने के लिए, बट अभी हो सकता है जैसे जैसे दिन चढ़ेगा अगर और दिखे, बट देखो। चलो चाय पीते हैं पहले यहाँ पर। दादा चाय दीजिएगा ना 3। है ना नीलांजन सर, धरो। अभी मैं बिना मास्क खोले चाय मुंह में टच करने वाला था। सिक्किम साफ सफाई के मामले में लेकिन नंबर 1 है। सफाई यहाँ पे बहुत सही है और प्लास्टिक फुल्ली बैन है यहाँ पे। प्लास्टिक अभी मतलब डिक्लेयर हो चुका है और यहाँ के लोग भी काफ़ी मतलब इस चीज़ को ये करते हैं कि अगर आप प्लास्टिक यूज़ भी करोगे ना तो मना करेंगे कि प्लास्टिक मत यूज़ करेंगे, आप प्लास्टिक फुल्ली बैन है। और अभी जो सामने का मेरा व्यू आया है, हम लोग थोड़ा वॉक करने निकले थे और बहुत सही लग रहा है, दिखाता हूँ सामने अभी। वो ऊपर बर्फ दिख रहा होगा, ये एक चीज़ अच्छा दिया इन लोग, सेविंग किट, टॉयलेटरीज, सारा कुछ। हमारा ब्रेकफास्ट भी आ गया। तुम्हारे की छिलो सैंडविच छिलो, एक ऑमलेट। अच्छा ये पहाड़ व्यू देखा है। हां मेक बोलছিলে মেঘ না রে ভাই তোমার এই কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউ আছে দেখ। বাহ ये পরিষ্কার কাঞ্চনজঙ্ঘা, হেভি সুন্দর। তো ফাইনালি রুম কো বাই বাই বলने का टाइम आ गया हमारा। 10 बजे तक चेकआउट करना था, 10 बजे से पहले ही हमारा सारा काम खत्म हो गया। वही टैक्सी स्टैंड में गाड़ी हमारा है, वहीं चलते हैं। और अब यहाँ से हम लोगों का डेस्टिनेशन आज है लाचुंग का। चलो मैगी, ओ मैगी मैगी, यहाँ भी मैगी मिल गई मेरे को, क्या पता गई है ना गया है, आई डोंट नो। ये था हमारा होटल, होटल टारकोन। होटल बहुत सही है, फैमिली के लिए एकदम सही होटल है, लोकेशन भी बहुत सही है और व्यू भी यहाँ से काफ़ी अच्छा है, एकदम टैक्सी स्टैंड के पास। तो और रीजनेबल प्राइस लगा, शायद हमारा गाड़ी आ रहा है। गैंगटॉक
से हम लोग निकल चुके हैं लाचुंग के लिए और यहाँ से टाइम लगेगा हम लोग को अप्रोक्स 6 घंटा, वही तो होता जो जी 6 घंटा। और बीच में क्या क्या दिखाइएगा रास्ते में, साइट सीन क्या क्या कराइएगा? वाटरफॉल्स वगैरह है। वाटरफॉल्स है ना, ठीक है। तो बीच में कितना वाटरफॉल्स है? 1, 2, 3, 4 होगा। चार वाटरफॉल्स हम लोगों को देखने मिलेगा। और लाचुंग में हम लोग को बर्फ़ नहीं देखने मिलेगा और थोड़ा ऊपर जाना होगा, तो वो कल सुबह निकलेंगे तो वहाँ पे ना आज देखने को मिलेगा कुछ बर्फ़ थोड़ा थोड़ा तो दिखेगा दूर से दिखेगा। चलिए दूर से देखेंगे आज, कल नज़दीक जाके देखेंगे। तो बीच में एक जगह कहीं पे चाय वाय पिला दीजिएगा, खाना खा के निकलेंगे बीच में। हाँ पहले एक बार चाय पिला दीजिएगा फिर खाना खाएंगे, है ना? ठीक है। यहाँ हम लोग अभी बटरफ्लाई वाटरफॉल्स के पास रुके हैं, दिखाते हैं आप लोगों को अभी कैसा है ये बटरफ्लाई वाटरफॉल। अजंता के लिए ये जगह ना रियली पैराडाइज है, इतना अच्छा अच्छा स्पॉट कर पा रहे हैं वो अभी बर्ड्स यहाँ पे। मेरे को एक दिखा अभी, बहुत है यहाँ पे, बहुत और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का, मतलब रास्ते में जाते वक्त अभी यहाँ एक इंडियन ब्लू बर्ड है वो दिखा उनको, वो ले रहे हैं, और भी बहुत सारा है। चलो यहाँ चाय पीते हैं, चाय पी के फिर बढ़ते आगे। पानी का कलर ऑलवेज ऐसे ही ग्रीन दिखता है, इसे ग्रीन या ब्लू आप जो बोल लो, और यही खासियत है इस नदी का कि आपको ऑलवेज पानी का कलर ऐसा दिखा। बारिश में थोड़ा सा कलर ख़राब हो जाता है, बट अदरवाइज ये नदी कलर के लिए फेमस है अपने, और पानी हमेशा शांत दिखेगा, बट नीचे का जो फोर्स है ना वो बहुत स्पीड होता है इस पर। चलो इसीलिए हम लोग को जाते वक्त व्यू दिख रहा था तो हम लोग जगह खोज रहे थे कि कौन से जगह पे खड़ा होके देखा जाए इसको। चलो तो तीस्ता का ग्रीन पानी आप लोगों को दिखा दिया, मेरे स्वेटर के कलर से मिल रहा होगा। तो हो गया यहाँ से बस, चलो निकलते हैं। मतलब जितने देर भी खड़ा रहो ना यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा, बहुत खूबसूरत है ये नदी और खासकर ये नदी के पानी का कलर। चिम टिंगचिम पहुँच गए हम लोग, तो यहाँ पे अभी लंच करना है। 1:15 बजे हम लोग रुके हैं लंच करने के लिए, और यहाँ से करीब और 3 या 3.5 घंटा लग सकते हैं हम लोगों को लंचिंग पहुँचने में। और चूँकि दोपहर का टाइम, इसलिए सारे लोगों का मन है कि थोड़ा हेवी खाया जाए। शाम को वहाँ पे स्नैक्स में आज हम लोग ट्राई करेंगे कुछ और, तो मेरे लिए वेज राइस और कुमारेश और निलंजन दा के लिए चिकन राइस, एग राइस। ये मेरा वेज राइस आ चुका है, ये तो 100% स्क्वाश होगा, ये स्क्वाश, ये यहाँ का एक फेमस सलाद मिलता है यहाँ पे, और ये हाँ ये आलू भाजा, ये दाल और राइस। खाने का रेट थोड़ा सा ज़्यादा लगा यहाँ पे, 130 वेज राइस और 160 एग राइस। अब वेज राइस में स्क्वाश का सब्जी थोड़ा सा, और वही जो दिखाया प्लेट, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं था। चलो निकलते हैं अभी यहाँ से, देखना होगा।
बांगनन बाजार से थोड़ा सा आगे आने के बाद लेफ्ट साइड में ये जो व्यू पॉइंट है ना, ये मेरे को आज भी याद है। हम लोग जब आए थे फुल फैमिली, उस वक्त का यहाँ पे एक मेरे पास फोटोग्राफ है, मैं अचानक देखा तो मेरे को वो याद आ गया। और दाजू भी यहाँ पे गाड़ी रोके तो ये भी जो लैंडस्केप है यहाँ का उफ, बहुत खूबसूरत है। तो ये पीछे देख के देखो, ये पीछे देख के लगेगा क्या खूबसूरती है। ये जगह का नाम अजीब सा नाम देखने को मिला हम लोगों को, यहाँ से गुजर रहे हम लोग। ये जगह है लंगटा खोला। हर एक दो मिनट पे कुछ ना कुछ एक ऐसा व्यू यहाँ पे आता है कि रुकना एकदम जरूरी है। अभी फिर थोड़े से आगे बढ़े उस व्यू पॉइंट के बाद, यहाँ पे एक नियोंग खोला करके एक वाटरफॉल मिला। और ये वाटरफॉल भी मैं इससे पहले भी जब आया था तो यहाँ पे रुका था, बट उस वक्त क्या था ना, वो जो एक वॉल बनाया हुआ, एक दीवार सीमेंट का बनाया, वो सीमेंट का दीवार नहीं था उस वक्त, बट अभी वो सीमेंट का दीवार बना दिया। और ये वाटरफॉल दिखाता हूँ, चलो। पूरा एकदम साफ, पूरा क्रिस्टल क्लियर, नीचे का पूरा एक एक पत्थर पूरा क्लियर दिख रहा है। गैंगटॉक से लाचुंग जाने वाले रास्ते में ना, या फिर लाचुंग जाने वाले रास्ते में बहुत सारा वाटरफॉल मिलता है। और ये जो वाटरफॉल है, इस वाटरफॉल का नाम है नागा वाटरफॉल। और ये लिटरली बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है। जिस हाइट से ये पानी आ रहा है, मतलब ये कैमरा जस्टिस नहीं कर पाएगा, एकदम ही नहीं। चलो हो गया, यहाँ से अब निकलते हैं बस।